हेलो दोस्तों, आज हम निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन क्यूबिक मीटर। हमारा ब्रिक का साइज होता है 9 × 4 × 3। हमने मोर्टार की थिकनेस मानी है 10 mm, मीटर में 0.01 मीटर। ब्रिक साइज विद मोर्टार होता है 0.240 × 0.125 × 0.085 m³। जब हम इन तीनों को इंटू करते हैं तो हमारा आता है ईच ब्रिक वॉल्यूम, जो कि है 0.00255 m³। अब हमने अज्यूम कर लिया कि हमें 1 m³ ब्रिक वर्क में पता करना है कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल वॉल्यूम बाय ईच ब्रिक वॉल्यूम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/0.00255 तो हमारा 392 आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक 392 लगेंगे 1 m³ में। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन स्क्वायर मीटर। हमारा ब्रिक का साइज है 9 × 4 × 3 इंच। हमने मोर्टार साइज माना है 0.01 m, 10 mm मतलब। ब्रिक साइज विद मोर्टार हमारा आता है 0.240 × 0.125 × 0.085 m³। हमने अज्यूम कर लिया कि 1 m³ ब्रिक वर्क में हमें पता करना है कितने ईंट लगेंगे। तो नंबर ऑफ ईंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय लेंथ ऑफ ब्रिक इंटू हाइट ऑफ ब्रिक। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 49 ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक 49 लगेंगे। जब हमें स्क्वायर मीटर में नंबर ऑफ ब्रिक निकालना होता है, जब हम इस तरीके से निकालते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन मीटर। हमारा ब्रिक का साइज है 9 × 4 × 3। हमने अज्यूम किया है 1 m में कितने ब्रिक लगेंगे वो हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय लेंथ ऑफ ब्रिक, जो कि हमारा 1/0.240 हमारा आएगा 4.16। इसे हम मान लेते हैं 4 ईंट लगेंगे हमारे 1 m में। जब हमें मीटर में नंबर ऑफ ब्रिक निकालना होता है, जितने भी वॉल्यूम में ईंटें लगनी होगी उसे हम 0.240 से डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन क्यूबिक फीट। ब्रिक साइज हमारा 9 × 4 × 3। मोटार थिकनेस हमने माना है 10 mm। ब्रिक साइज विथ मोटार हमारा आएगा 0.7872 × 0.41 × 0.2788 m³। ईच ब्रिक वॉल्यूम हमारा आ गया 0.08998325 m³। हमने अज्यूम किया है हमें 1 m³ में नंबर ऑफ ब्रिक निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय ईच ब्रिक वॉल्यूम। तो 1/0.08998325 m³ हमारा आएगा 11.113, लगभग 11 ईंट लगेंगे हमारे 1 m³ में। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन स्क्वायर फीट। ब्रिक की साइज है 9 × 4 × 3। हमने मोर्टार साइज माना है 10 mm। नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय ब्रिक लेंथ इंटू ब्रिक हाइट। हमने अज्यूम कर लिया है कि वॉल की वॉल्यूम 1 है, 1 m³ में हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे। तो 1/0.7872 × 0.2788 हम सॉल्व करते हैं, हमारा आता है 4.56, 5 ईंट लगेंगे हमारे 1 m² में। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन फीट। ब्रिक साइज हमारा 9 × 4 × 3। मोटार साइज हमने मानना है 10 mm। तो नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय लेंथ ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने अज्यूम कर लिया कि हमें 1 ft में निकालना है। तो 1/0.7872 हमारा आ गया 1.27। 1 ft ब्रिक वर्क में हमारा 1.27 ईंट लगेंगे। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।